एक छोटे बिजनेसमैन का सपना होता है अपनी कंपनी को बड़ा होते देखना, जिसके लिए वो दिन रात एक कर देता है ताकि अपनी कंपनी को टॉप पर देख सके। कई लोग तो अगला एप्पल या अमेज़न तक बनाने की सोच लेते हैं। हम यहाँ कंपनी की कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस को ग्रो करने की। यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स की जिसे फॉलो करके आप अपने स्मॉल बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योर की रेस में बाकियों से आगे निकल सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किन छोटे छोटे स्टेप से आप अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं, तो बने रहें हमारे साथ अंत तक, क्योंकि अंत में हम उन कॉमन गलतियों के बारे में बताएंगे जो अक्सर बिजनेसमैन करते हैं और फेल हो जाते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले क्विक सपोर्ट आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल में। तो चलिए जानते हैं कि कैसे अपने बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है। हर बिजनेसमैन का सपना होता है अपने छोटे बिजनेस को बड़ा करना, और आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए कि कोई भी बिजनेस शुरू होते ही बड़ा नहीं बन जाता है। आपके पास कितने भी रुपए क्यों ना हो, शुरुआत छोटे से ही की जाती है और धीरे धीरे उसे बढ़ाया जाता है, क्योंकि आप रुपए लगाकर बड़ी कंपनी तो खोल सकते हो लेकिन कस्टमर नहीं खरीद सकते। इसलिए आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना होगा अपने स्मॉल बिजनेस को लार्जर वन बनाने के लिए। पहली बात, गोल बनाएं। आपका स्मॉल बिजनेस तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक आपके पास उसे ग्रो करने के लिए कोई गोल या प्लान नहीं है। एक छोटा बिजनेसमैन होने के नाते आपको हमेशा अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहना चाहिए और जैसे ही ऐसा मौका मिले एक्शन लेना चाहिए। आपको सामान या सर्विस आपके कस्टमर तक बहुत ही साफ और सेफ तरीके से पहुंचाना चाहिए, जिससे उसे अपने रुपए या टाइम इन्वेस्ट करने का दुख ना हो। और इसके साथ ही आपके एम्प्लॉयज को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए ताकि वो आपकी कंपनी या बिजनेस के ग्रो के लिए मन लगाकर मेहनत कर सकें। अगर आप इतना करते हो तो आपके सेल्स बढ़ेंगे, जिससे आपका बिजनेस स्मॉल से लार्ज होने लगेगा। दूसरी बात, अपने कस्टमर की जरूरत को समझें। आप किसी भी तरह के बिजनेस में क्यों ना हो, वहाँ किसी न किसी रूप में कस्टमर मौजूद होगा। जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदेगा वही आपका कस्टमर है। अब आपको अपने कस्टमर की जरूरत को समझना है और उनकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस बनाना है। इससे आपके कस्टमर बढ़ेंगे और किसी भी कंपनी के ग्रो का पहला कारण होता है उसके कस्टमर का बढ़ना। आज रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है क्योंकि उसके कस्टमर की संख्या ज्यादा है। इसके साथ ही आपको अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करानी है। इससे सिर्फ आपका वो एक कस्टमर खुश नहीं होगा, बल्कि वो और भी लोगों को आपकी सर्विस के बारे में बताएगा, जिससे आपके कस्टमर बढ़ेंगे। तीसरी बात, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। आप ये तो जानते ही होंगे कि जो दिखता है वही बिकता है। आज के टाइम में सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का और ग्रो करने का। चाहे आपका बिजनेस ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उसका प्रचार करना है। अगर आपकी सर्विस, गुड्स और प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे तो लोगों को पता चलेगा और आपको भी जानने का मौका मिलेगा कि और क्या क्या करने की जरूरत है। इसी से आपको ये आइडिया भी आएगा कि अब आगे ग्रो कैसे करना है। चौथी बात, कस्टमर से फीडबैक लें। आपको अपने कस्टमर से फीडबैक लेना है। फीडबैक किसी भी तरह का हो सकता है। अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो रेटिंग और रिव्यू के जरिए, या ऑफलाइन बिजनेस है तो फेस टू फेस रेटिंग या सोशल मीडिया के माध्यम से। इससे आपको अपनी कमियों और खूबियों का पता चलेगा, जो आपको और बेहतर बनने में मदद करेगा। इसके साथ ही लोगों को भी आपके बारे में ज्यादा जानने का मौका मिलेगा रिव्यू और रेटिंग के माध्यम से। पांचवी बात, अपने मार्केटिंग एरिया को एक्सपेंड करें। अपने स्टोर या सर्विस को नई जगह पर खोलना नए कस्टमर्स बनाकर ग्रो करने का सबसे बेहतर तरीका है। ये नई जगह ऑनलाइन वेबसाइट भी हो सकती है, और आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको वेबसाइट बनाना ही चाहिए ताकि दूर दूर के लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीद सकें। छठवीं बात, इवेंट्स और ट्रेड शो में पार्ट लें। अपना कुछ टाइम अलग अलग तरह के इवेंट्स में लगाएं, जिससे आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना आपका बिजनेस बनेगा। नेटवर्किंग से आपको दूसरे लोगों और बिजनेसमैन के रिश्ते बनाने में मदद मिलेगी और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए नए आइडियाज भी मिलेंगे। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक ही बार में पहुंचना चाहते हो तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है ट्रेड शो में भाग लेना। इससे आप ज्यादा लोगों तक एक ही जगह पर रहकर पहुंच पाओगे। इससे आपके बिजनेस का प्रमोशन भी हो जाएगा। सातवीं बात, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें। इवेंट ऑर्गेनाइज करने से आपकी पहचान उन लोगों के बीच बनेगी
जो आपके बिजनेस को अभी तक छोटा समझ रहे थे और तब वो भी आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेंगे, जिससे आपके कस्टमर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर्स भी बनेंगे और ये एक बहुत बढ़िया तरीका है अपने बिजनेस को बड़ा करने का। आठवीं बात, एक्सपेरिमेंट करें। ऊपर दिए गए सभी पॉइंट्स पर मेहनत करके आप सक्सेसफुल तो हो जाओगे, अपने छोटे बिजनेस को बड़ा तो कर लोगे, लेकिन अगर आप एक ही प्रोडक्ट या सर्विस पर फोकस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस को ज्यादा बड़ा नहीं कर पाओगे। एक बिजनेसमैन को कभी भी एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरना चाहिए। जिस फील्ड में आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया है उसे और आगे बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। बिजनेस को एक्सपेंड करने का सबसे बढ़िया तरीका है नए फील्ड में अपने आप को आजमाना। कोका कोला कंपनी सिर्फ रेड कैन सोडा नहीं बेचती, वो जूस, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और भी कई चीजें बेचती है। ऐसे ही एप्पल कंपनी कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, MP3 प्लेयर्स बनाती है। ऐसे ही कई सारी कंपनीज हैं जो बहुत सारी चीजें बनाती हैं और बड़े लेवल पर बेचती हैं। इसके बाद भी हम ये कहेंगे कि जब तक आपका प्राइमरी प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बिक रहा है और आपके पास बड़ा कस्टमर सर्कल नहीं है, तब तक आपको नए फील्ड के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। नवी बात, मर्ज करें। इतना सब करने के बाद आखिरकार आपका छोटा बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा जब आप अपने कॉम्पिटिटर को पछाड़ना शुरू कर देंगे। इसके बाद आप छोटी कंपनी को अपने साथ जोड़कर अपने बिजनेस को और ज्यादा जल्दी बढ़ा सकते हैं। इससे आपके साथ नया प्रोडक्ट्स, स्टाफ और छोटे बिजनेस का लोकेशन एरिया भी जुड़ जाएगा। आप इसे अपने बिजनेस की सहायक कंपनी के तौर पर रख सकते हैं या इसे पूरी तरह से अपना नाम भी दे सकते हैं। स्पॉन्सरशिप और पार्टनरशिप से भी आपके बिजनेस को ग्रो होने में मदद मिलेगी। तो चलिए अब जानते हैं कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बिजनेसमैन को नहीं करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से बिजनेस में हैं या कौन से फील्ड से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, आपको कुछ मिस्टेक्स का पता होना चाहिए जिसकी वजह से कितने ही बिजनेस खत्म हो गए। आपको इन मिस्टेक्स से बचना है। पहला, तुरंत सक्सेस पाना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आपने बिजनेस शुरू किया और एक दिन या एक साल में आपको सक्सेस मिल जाएगा तो आप गलत हैं। बिजनेस बहुत लंबा प्रोसेस है और इसमें पैर जमाने में समय और धैर्य दोनों की जरूरत पड़ती है। अपने बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंट होना कि हमारा बिजनेस ग्रो करेगा अच्छा है, लेकिन जल्दी रिजल्ट देखने के लिए कई बार लोग आसान या सस्ता रास्ता चुन लेते हैं, जिससे कस्टमर का विश्वास खत्म हो जाता है और बिजनेस ग्रो करने की जगह लॉस में जाने लगता है। तो आपको इस गलती से बचना है। दूसरी बात, सब कुछ खुद से करने की कोशिश करना। आपको ये बात मानना होगा कि एक ही आदमी हर काम नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। अगर आप एक बिजनेसमैन होने के नाते सब कुछ करना चाहते हैं तो ये आपकी गलती है। आपको दूसरों पर और खासकर अपने एम्प्लॉइज पर भरोसा करना होगा। आप जितना अपना काम बांटेंगे उतना सोच समझकर बिजनेस ग्रो करने का अगला स्टेप ले पाएंगे। तीसरी बात, अपने पैशन को भूलकर सिर्फ पैसे के पीछे भागना। अगर आप अपने बिजनेस या फील्ड के लिए पैशनेट नहीं हैं, तो आप अपने बिजनेस को ज्यादा लंबा नहीं चला पाएंगे, क्योंकि यहां आपका पैशन सिर्फ पैसा कमाना रह जाएगा। कई एंटरप्रेन्योर ये गलती करते हैं कि वो अपने पैशन को फॉलो करने के बदले एक कंपनी खोल देते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। आपको ये बात समझनी होगी कि हो सकता है आपका पैशन आज आपको ज्यादा रुपए ना दे, लेकिन जब आप उस काम को करते जाएंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर सकता है और हो सकता है वो सक्सेसफुल बिजनेस की लिस्ट में टॉप पर भी आ जाए, क्योंकि आपने अपना काम बिल्कुल पैशनेट होकर किया होगा। चौथी बात, अच्छे बॉस न बनना। किसी भी बिजनेस के ग्रो होने में सबसे बड़ा हाथ उस कंपनी के एम्प्लॉइज का होता है। जब तक आप अपने एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं मानोगे, तब तक एम्प्लॉइज भी बिजनेस ग्रो करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे। जब आपके एम्प्लॉइज भी आपके प्रोडक्ट्स के बायर्स बन जाएं, तो समझ जाना कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई और सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करें और आगे भी इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।